और रोहित भाई लेने आ गया, पैदल आया रास्ते तक। तो ये वाला फ़ोन है ओप्पो A23 5G है, काम चल जाएगा, इतना कोई ख़ास नहीं है लेकिन बढ़िया है। वालिया मैंने ये वाला बड़ा बैग लाया था आज, मैं कहा था मैं उसे बैग नहीं बोल सकता मैं कभी भी। तुम्हें भाई के पास ये मेरा फेवरेट आदमी और ये भी है, ये पड़ोसी है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और गाइज सुबह 6 बजे का खेत में सब्जी तुड़वाई मैंने, और पापा सब्जी लेकर गए हैं। अभी खेत में कोई भी नहीं इसलिए मैं ही रुका हूँ, और अभी 9:30 बज गई है, भूख लग रही थी, 2 ककड़ी लेकर आ गया। और सब्जी तुड़वाई आज ग्राउंड भी नहीं जा पाया क्योंकि लेट हो गया था और खेत में काम था इसीलिए। और कल रात को रोहित ले आया था, इधर से पैदल गए थे हम, एक तरफ से पैदल जाना पड़ता है, एक तरफ से कोई मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर पैदल ही आना पड़ता है। और गाइज आज स्पेशल डे है क्योंकि चेन्नई और गुजरात का मैच है, तो शाम का वेट है और फाइनल कौन जीतेगी वो आप सब बताओ मुझे। वैसे वीडियो तो बाद में डाले पहले फाइनल हो जाएगा, बता ही दोगे आप। अभी भूख लग रही, 2 ककड़ी ले आया, अपनी टपरी में बैठ के खाऊंगा। और ये पीले पत्ते दिख रहे हैं, इसमें है गिल की, और उधर ककड़ी है, और बीच में तुरई है, उधर एक साइड कद्दू है, और ये वाली है अपनी टपरिया जिसमें थोड़ी बहुत देर आराम करते हैं ककड़ी खाते हुए। और गाइस अभी 11 बज गई और भूख का टाइम हो चुका है, और मुझे भूख लगने लग गई, सुबह कुछ भी नहीं खाया मैंने, जल्दी खेत पर आ गया था। चलते अब सीधा घर पे बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि अभी यहाँ का काम तो खेत का हो चुका है। डाली फोड़ने की, वो तो 3 डाली मिल दिया मैंने, वो भराएगी 2-3 घंटे में, इतने पापा आ जाएंगे। ये पेड़ भी उड़े उड़े जा रहा है, सामने बरसाती उड़ गई जो टपरिया की सारी, और हवा इतनी तेज है ऐसा लग रहा बारिश आई गई अभी से। इधर भी सारे पेड़ पूरे तिरछे हो गए, ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई इतनी जल्दी, इतनी तेज हवा चल रही। और गाइस अभी खाना आ चुका है, और खाना ले लिया मैंने खुद ने, आज पालक की सब्जी हरी और चटनी है। और मैंने गेट लगा लिया बाहर से, बाहर से पूजा लगा गई, मैं अंदर आ गया क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही, सारा कचरा अंदर आ जाता इसलिए। और गाइस अभी खाना पीना हो चुका है अपना, और अभी पानी भी गिरने लग गया था, अभी मौसम साफ हो गया फिर से थोड़ी देर में ही। और अभी दादाजी को लेके मार्केट जा रहा हूँ बैंक में पैसे निकलवाने। और यहाँ पर QS के, SBI का और सभी बैंकों का, तो बड़ौदा बैंक का खाता है दादाजी का, तो यहीं से पैसे निकलवा लेते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइज एक भाई से मैंने हेलमेट लिया है प्रैक्टिस के लिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने सोचा है कि काम चला लूँगा थोड़े दिन, फिर नया ले लूँगा, उसे दे दूँगा उसका, इस सामने वाली दुकान पे, जीतू नाम के लड़के का है। और दादाजी ने QS के वैसे पैसे निकलवा लिए, और इतने में अपना हेलमेट ले आया मार्केट से, अब चलते सीधा घर पे। और गाइज अभी 4 बज गई है, थोड़ी देर आराम कर लिया मैंने, धूप बहुत ज़्यादा थी इसीलिए, और अब जाने का समय हो गया अपना ग्राउंड पे। उस समय भाई को कॉल कर दिया मैंने, वो भी आ जाएगा 5:30 बजे तक, काम पर गया है वो। और अपने जो नया बैग है ये बड़ा वाला युवराज ने दे दिया था, तो इसमें सारा सामान जमा लिया, पूरा सामान आ गया, और आज अपन हेलमेट भी ले आए हैं, अब चलते सीधा ग्राउंड बिना टाइम वेस्ट करे। सुनसान रोड है यार रोहित, कोई भी नहीं आता, अभी धूप लग रही है। तू कहीं देखे यार दिन भर फोन में। और रोहित भाई लेने आ गया, पैदल आया रास्ते तक, तो चलवा दे। और अभी हमने गोविंद भाई को ले लिया है, अभी हम ग्राउंड जा रहे हैं। और रोहित भाई आज नया फोन ले रहा है, तो लेने आ गया, कौन सा ले रहा है नया फोन? ओप्पो A23 नया फ़ोन ले रहा है, तो उसको नया फ़ोन दिला देते चल के, और फिर ग्राउंड चलेंगे। और गाइस ये वाला फ़ोन लिया हमने Oppo A23, और अच्छा फ़ोन है ये, 22-23 हज़ार रुपये में हमने दिए, 22,500 इसके, और हम मॉडर्न वाले के यहाँ से लिया हमने। ये वाला फ़ोन है Oppo A23 5G है, और 8256 है, और कैमरा क्वालिटी बेटर है, बढ़िया है, काम चल जाएगा, इतना कोई ख़ास नहीं है लेकिन बढ़िया है। सब ग्राउंड पे लेट हो गए। और गाइस अभी PG कॉलेज ग्राउंड पहुंच गया हूँ मैं, रोहित ले आया था मुझे रास्ते से, और उसके लिए अपनी एक दीदी है भुआजी की लड़की, उसके लिए फ़ोन लिया हमने आज Oppo A23 22-23 हज़ार में, मीडियम फ़ोन है, कोई ख़ास नहीं है पर, लेकिन काम चल जाएगा उनका, तो उनको क्या कॉल पर बात करनी है। और अभी ग्राउंड पर पहुँच गया हूँ, पुरुषोत्तम भाई भी आने वाला, और काफ़ी लेट हो गया, 5:30 बज गई अभी, लेकिन कोई ना, अभी 1 घंटा और प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे।
मौसम काफी ठंडा है आज, ग्राउंड पे गर्मी भी नहीं है और लड़के लोग तो आ गए प्रैक्टिस करने वाले। और गाइज अभी वर्कआउट कंप्लीट हो चुका और अपने बैग में सारा सामान जमा लिया मैंने। ये वाला बड़ा बैग लाया था आज मैं, और पुरुषोत्तम भाई भी काफ़ी लेट आया, और अपन ने जो मेट बांधी थी वो भी अंदर रख दी है जमा कर। आजा आजा आजा। और गाइज अरे यार तू बोल ले, तू भी जो ना बोल, हमारा छोटा भाई बोलेगा। क्या बोल रहा है, बोल दे तू, दिख जाएगा दो दिन बाद लोग आएगा उसके। तो गाइज ये वाला हमारा दोस्त बना है नया बंदा, क्या नाम बेटे तेरे? तनुज भाई, मेरे साथ क्रिकेट खेलता है और काफ़ी अच्छा लड़का है, काफ़ी सुंदर और सुशील है। और ये हमारे पास एक और बंदा जो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। और गाइज वर्कआउट कंप्लीट हो चुका, अब चल रहे हैं घर पे। पुरुषोत्तम भाई भी बाइक लेकर आया और रोहित भाई भी लेकर आया, तो आज पुरुषोत्तम भाई के साथ जाएंगे। जब बोलते हैं भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, कभी एक भी बाइक नहीं रहती, आज दो बाइक है हमारे पास। और गाइज आज फाइनल मैच है CSK और गुजरात का, तो उसको देखेंगे आज। और जल्दी चलते हैं, इंटरनेट भी बचा रखा मैंने सुबह से, आज डेट नहीं चलाया इसलिए, दोनों सिमों में अनलिमिटेड है। और आज आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से चेन्नई जीतना चाहिए, क्योंकि चेन्नई का फैन बेस ज़्यादा है और मैं भी चेन्नई का ही फैन हूँ। चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करें। भाई दो दो बाइक है आज मेरे पास, किसके पास जाऊँ मैं बता, किसके पास बैठूँ मैं? भाई के पास। ये मेरा फेवरेट आदमी और ये भी है, ये पड़ोसी है, और इसके पास चला जाता हूँ। बैग तो रह गया, पहले बैग ला दे। बैग तो भूल ही रहा था मैं, उसे बैग नहीं भूल सकता मैं कभी भी। और गाइस तनु है भाई जो हमारा छोटा बेस्ट फ्रेंड है, अभी नया नया दोस्त बना है हमारा, और आज हमारी बेस्ट फ्रेंड दोस्ती हो गई, बनाएगा ना मुझे बेस्ट फ्रेंड। और इसको हम अभी रास्ते में छोड़ देंगे, तो हम निकल जाएंगे घर पे। तेरा घर कहाँ पे? गुरुद्वारे के यहीं छोड़ देंगे। और आज तो काफ़ी ठंडा और कूल मौसम है यार पुरुषोत्तम, गर्मी नहीं बिल्कुल भी, पानी गिर गया था इसलिए। और गाइस अभी घर पर आ गए हूँ और अभी 8 बज चुकी है, और जल्दी से खाना खा लेता हूँ, भूख भी लगने लग गई। और अपना मैच है जो भी डिले हो गया, IPL फाइनल था आज, वो अभी वेट कर रहा हूँ मैच का। इससे पहले मैं खाना खा लूँगा जल्दी, ताकि मैच देखने में डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आज फाइनल है और फिर साल भर बाद आएगा इसीलिए। और खाना सुबह का ही, सुबह की सब्जी और रोटी तो अभी बनाई है, और पालक की हरी सब्जी है और लाल चटनी है और अचार भी है साथ में, और खाना खा के मिलते हैं जल्दी। और गाइज रात में काफ़ी वेट करा हमने पानी निकलने का, CSK और GT का फाइनल मैच IPL देखने के लिए, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन रात में 12 बजे तक वेट करा पानी निकल जाए मैच देखने के लिए, लेकिन पानी नहीं निकला और उसी के साथ हमें नींद आ गई। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज नया व्लॉग शुरू करेंगे अपन, और आज शाम को मजे लेंगे IPL फाइनल का। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।